तो ऐसी कुछ होती है दुबई की शाम। होटल सिटी मैक्स की तरफ। सो इस बार इस ट्रिप पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है आदित्य और ही इज अकंपनिंग मी विद माय ऑफिशियल मीटिंग। सो ये है दुबई की शाम। सो मैं हूँ होटल सिटी मैक्स के रिसेप्शन पे, अपने रूम अलॉटमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। ये है यहाँ का वेटिंग एरिया। तो होटल चेक इन कंप्लीट हो गया, 448 रूम नंबर है हमारा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, पता नहीं इतना टाइम क्यों लिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये दो वो दो, ये होगा कुछ रिस्ट्रिक्शन, तो ये है। अब जाके रूम चेक करते हैं कैसा है। सो होटल का लॉबी, ऐसा कुछ दिखता है। ये है लॉबी और ये है लिफ्ट और ये है हमारे मिस्टर आदित्य। 6 लिफ्ट है भाई यहाँ पे, कोई भी लिफ्ट पकड़ लो। जिस होटल में मैं रुका हूँ सिटी मैक्स में, वहाँ पे ऐसी एक वेंडिंग मशीन है आपके हर फ्लोर पे होती है, जहाँ पर ये सारी आइटम्स आपको रूम में प्रोवाइड नहीं करी जाती, बट आपको ख़रीदनी पड़ती है यहाँ से। सो आइटम लिखी हुई है सारी और इसके प्राइस भी लिखे हुए हैं। सो रूम में टूथपेस्ट किट नहीं था, सो आई कॉल्ड अप रिसेप्शन पे और उनको पूछा कि टूथपेस्ट नहीं है। सो उन्होंने बोला कि सर आपके लिफ्ट के बाजू में एक वेंडिंग मशीन है, आप वहाँ से टूथपेस्ट ले सकते हो। सो अभी हम लोग एक डेंटल किट लेंगे यहाँ से, उसका प्राइस लिखा है और उसका नंबर लिखा है। सो पहले क्या करना होता, आपको कॉइन डालना है और हमको नंबर दबाना है 25। ये देखा आपने, 2, पता नहीं 2 कैसे आ गया। सो ये 2 आ गए हमारे पास। आपको ओपन करके बताता हूँ कि अंदर क्या है। अंदर एक छोटा सा ऐसा टूथब्रश है और टूथपेस्ट है फॉर 3 ADs, 3 dirham। फिर आपको पानी का बॉटल भी और बाकी सब भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ हमारे कंट्री में भी होना चाहिए हर जगह पर। ये मेरा 3rd विजिट है दुबई में। तो पहले जो मैं होटल में रुका था वो ज़बीन हाउस था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसका वीडियो ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर लिंक भी होगा। सो ये है मेरा रूम सिटी मैक्स होटल बर दुबई। ये डबल ऑक्यूपेंसी रूम है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा रूम नहीं है, बट 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप जैसे ही रूम में एंटर होते हो तो आपके राइट साइड में बाथरूम वॉशरूम वगैरह है, यहाँ पे लाइट्स है उसके लिए, ये हीटर के लिए बटन है
चलिए देखते हैं यहाँ का बाथरूम कैसा है। सो ये आपको यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, हेयर ड्रायर मिल जाता है, टूथपेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं था, वो हमको वेंडिंग मशीन से लेना पड़ा। ये यहाँ पे इसका लिक्विड सोप डिस्पेंसर है, आप इसको प्रेस करोगे तो सोप बाहर आ जाएगा। ये टॉयलेट वगैरह है, फ्लश है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे बाथटब है। सो अगर आपको बाथटब में बात करना है तो उससे कर सकते हो या शावर लेके भी कर सकते हो। सो दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। छोटा है वैसे, काफ़ी बड़ा नहीं है, बट है टॉवल वगैरह, सुखाने की जगह है, सारा ऐसे सब सिस्टम है यहाँ पे। फ्लश है, टॉयलेट पेपर है। ये है यहाँ का छोटा सा बट काफ़ी फैसिलिटी वाला बाथरूम। ये एसी कंट्रोल करने के लिए है आपके राइट साइड में, यहाँ पे मिरर है। लेफ्ट साइड में ये खाने पीने की चीज़ें जो कि पेड होती है, आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पे छोटा सा लॉकर है, छोटा सा फ्रिज, अगर आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी रखना हो तो आप रख सकते हो फ्रिज में। ये यहाँ पे आपका वार्डरोब है, आपको ओके कोई भी कपड़े वगैरह लगाने आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ड्रावर है बड़ा सा, आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, सूटकेस वगैरह रख सकते हो। आप यहाँ पर भी अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो। ये आपका लैंप है, आपका साइड टेबल है, आपको कुछ भी रखना हो। टीवी भी है, सारी चैनल्स आती हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर भी लाइट है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों आपके साइड टेबल है, टीवी है, लाइट है, फ़ोन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है। खिड़की से यहाँ से नज़ारा कुछ इतना खास नहीं है, पूरी ये बिल्डिंग ने कवर करके रखी है तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा बैग वगैरह, यहाँ पे आपके चार्जिंग पॉट्स है। बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ पे सारे चार्जर एक ही में अवेलेबल है, सबको कन्वर्टर लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। बट इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू कैरी योर कन्वर्टर। यहाँ पर भी ड्रावर है। ये एक डबल ऑक्यूपेंसी रूम है, तो इस तरह से कुछ है पूरा रूम। अगर आप देखो वाईफाई आपको फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे, आपके लिए आपको कोई पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। दो लोगों के लिए काफ़ी है, वैसे भी अगर आप घूमने आ रहे हो तो आप दिन भर बाहर ही रहोगे, दिन भर रूम में थोड़ी ना रहोगे। सो आई गेस ये काफ़ी है रूम दो लोगों के लिए। तीन लोग भी आ सकते हैं अगर कहीं साइड वाइड में अरेंजमेंट कर दिया तो, बट ऑलवेज गुड फॉर टू पीपल। जहाँ मैं पहले रुका था जवील हाउस, वो इससे काफ़ी बड़ा रूम था डेफिनेटली, और वो अलग ही उसका जो लग्जरियस लेवल था वो इस रूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो ये है मेरा रिव्यू रूम के बारे में। मैं हूँ सिटी मैक्स होटल में बर्दुबई।